मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत बनी अस्थायी जेल में बंद एक 25 वर्षीय कैदी ने फांसी का फंदा गले में लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। कैदी द्वारा की गई आत्महत्या की खबर जैसे ही पुलिस प्रशासन को हुई तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में जेल अधीक्षक सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने मृतक कैदी के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को थाना छाता क्षेत्र अंतर्गत पारिवारिक झगड़े में अनिरुद्ध वीरेंद्र उर्फ वीरू उम्र 25 वर्ष ने थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत बनी रतनलाल फूल कचोरी स्कूल में अस्थायी जेल के बाथरूम में गमछे से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कैदी द्वारा की गई आत्महत्या की जानकारी जेल प्रशासन को हुई तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और घटना की सूचना मिलते ही जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं मृतक वीरेंद्र द्वारा की गई आत्महत्या की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। पुलिस ने वीरेंद्र के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि वीरेंद्र नाम के कैदी ने आत्महत्या कर ली। जेल अधीक्षक ने बताया कि उसका छोटा भाई भी अस्थायी जेल में बंद है और मृतक का शनिवार को जिला अस्पताल में कोरोना वायरस की जांच भी करवाई गई थी। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। यहाँ पे एक बंदी था वीरेंद्र उर्फ वीरू, पिता का नाम श्याम, ये 24 तारीख को बंद हुआ था। सूचना मिली कि जो मुझे कि इसने सुबह शौचालय में 9 बजे के हेर फेर फांसी लगा ली पीछे रोशनदान में गमछे से, उसी के बाद से हम लोग आए हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं में बंद था, कुछ मामले में? ये बंदी पे दो वारंट थे, अलग अलग धाराएं हैं जिनमें 307 बड़ी धारा है, दोनों में 307 है, थाना छाता का है। अभी ऐसा नहीं बताया, जो भी ये है कि ये पारिवारिक ही उसको वो है, क्योंकि उसका सगा भाई भी बंद है, उसका भतीजा भी बंद है। बताया जा रहा उसकी एंटी पार्टी भी पर्सन बंद हुए थे, इसमें पर्सन इसकी एंटी पार्टी भी यहाँ पे बंद है। अब ये एंटी पार्टी का तो उसके घर वालों ने माने उसके भाइयों ने नहीं बताया ये चीज़, उसका सगा भाई छोटा बंद है, उसका भतीजा बंद है और सगा भाई साथ में ही था, उसी रूम में था जिस रूम में थे वो। आत्महत्या कैसे करी? आत्महत्या उसने गमछे से की, शौचालय में पीछे रोशनदान लगा। थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत अस्थायी जेल में एक कैदी द्वारा आत्महत्या करने का प्रकरण आया है, क्या वाकया था सर? ये थाना क्षेत्र हाईवे जनपद मथुरा का प्रकरण है। आज दिनांक 26/4/2020 को समय करीब सुबह 8:30 बजे थाना क्षेत्र हाईवे में रतनलाल फूल कटोरी नाम से एक महाविद्यालय है जहां पे अस्थायी जेल बनाया गया, तो उस अस्थायी जेल में वीरू उर्फ वीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति जो कि थाना छाता से अस्थायी जेल में निरुद्ध था, उसके द्वारा आज सुबह करीब 8:30 बजे फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली गई है। ये किस अपराध में, किस प्रकरण में सर आया था, किस थाने से संबंधित था सर? ये थाना छाता से 307, 147, 148 अन्य धाराओं में नामजद अभियुक्त था, जिसके आधार पर ये अस्थायी जेल में निरुद्ध था। आगे सर इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसे ही उसके द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और हम लोगों ने सक्षम मजिस्ट्रेट को ही बुलवा लिया है और जो मृतक व्यक्ति है उसका पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेज रहे हैं, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.